राजस्थान विश्वविद्यालय में लगातार छात्रों का प्रदर्शन का दौर जारी है। आज भी राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति सचिवालय के बाहर छात्र नेता शुभम रेवाण ने अलग तरीके से प्रदर्शन किया। इसमें सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। छात्रों ने प्रदर्शन का अलग तरीका अपनाया और नुक्कड़ नाटक करके प्रदर्शन किया। छात्र नेता शुभम ने कहा कि एग्जाम के समय विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों से बैग और फोन जमा करने के लिए 20 रुपए लिए जाते हैं। शुभम ने कहा कि अवैध वसूली की जा रही है और लाखों रुपए एकत्रित हो रहे हैं। विद्यालय से फीस के बाद भी एक्स्ट्रा मनी वसूली जा रही है। सुनिए छात्र नेता शुभम ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज तक ये मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। अवैध वसूली के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय में यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ इतना अत्याचार किया कि करोड़ों, और मैं तो कहूँगा अरबों का इन्होंने घोटाला किया है। जब इस घोटाले की हमने आवाज़ उठाई तब हमें पता चला कि कितना बड़ा फिगर इन्होंने बच्चों से कलेक्ट किया है और उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। कहाँ इन पैसों को यूज़ किया जा रहा है, कौन सी स्टूडेंट वेलफेयर में पैसा लगा रहा है और पैसा किस नाम पे लिया जा रहा है। बैग जमा करने के नाम पे पैसा ये विश्वविद्यालय ले रही है, जो कि शिक्षा से दूर करने का कार्य एक विद्यार्थी को कर रही है। विश्वविद्यालय ले रहा है, बच्चे ने जब यहाँ एडमिशन लिया है, विद्यार्थी ने यहाँ एडमिशन लिया है, तो एडमिशन के टाइम में विद्यार्थी ने सारी फीस अपनी पे कर चुका है। उसके बावजूद ये डेली विद्यार्थी से फीस कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं, वो भी अवैध वसूली के रूप में। इन्होंने कोई रसीद नहीं दी है विद्यार्थी को, उस पैसे का कोई ब्यौरा नहीं है कि कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कहाँ नहीं लगा रहे हैं। तो मैं आज ये विश्वविद्यालय से पूछना चाहूँगा कि इस अवैध वसूली को आप कब बंद करोगे, कब विश्वविद्यालय में अनुशासन रहेगा, कब विद्यार्थियों को शिक्षा से दूर करने का कार्य आप नहीं करोगे। और इस अवैध वसूली को जल्द से जल्द बंद नहीं की गई तो ये युवा शक्ति आगे वो बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। हाल ही में सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन आने वाले हैं। मैं विश्वविद्यालय से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द ही अवैध वसूली को बंद करते हुए रेगुलर स्टूडेंट्स के मोबाइल और बैग फ्री ऑफ कॉस्ट जमा किया जाए, क्योंकि शिक्षा का हर एक विद्यार्थी को अधिकार है, उसका अधिकार उससे छीनने का कार्य ना करें। नहीं तो ये युवा शक्ति, यहाँ का हर एक छात्र इस अन्याय को नहीं सहेगा। आवाज उठाने के लिए इनका भाई शुभम रिवार्ड हमेशा इनके लिए तत्पर मिलेगा। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय की वीसी ने छात्रों की समस्या को सुना और निराकरण का आश्वासन भी दिया। सुनिए वीसी ने क्या कुछ कहा। आज ये मुद्दा सामने आया है, इसकी मतलब मुझे जानकारी नहीं है पूरी, और मैं जो सेंटर्स हैं वहाँ से ये जानकारी लेना चाहूँगी कि इसमें क्या सिस्टम है, क्या मैकेनिज्म उन्होंने बना रखा है, कौन इसको रखता है, कि किस तरीके से उस पैसे का यूज़ किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। आपको लगता है छात्र हित में ऐसे कदम उठाएंगे कि सुविधा मिले शिक्षकों को? छात्राओं को सुविधा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। कुछ वैल्यूएबल्स वगैरह की जिम्मेदारी लेना वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन जो मिनिमम बेसिक जो है कि बैग है, पानी की बॉटल है, ऐसा कुछ है तो उसको रखने की तो व्यवस्थाएं सेंटर्स पे होती हैं। आप देख रहे थे द नगरी न्यूज़, मैं हूं शेख जुई, शुक्रिया।